बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पुंछ के बालाकोट में आज फिर की अंधाधुंध फायरिंग। पाकिस्तान की नापाक हरकत से कई घरों में पसरा मातम। सरपंच समेत 6 लोगों की मौत। परिजनों पर टूटा गम का पहाड़। पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में कल हुई थी 5 लोगों की मौत। आज हुई फायरिंग में एक और शख्स ने दम तोड़ा। मृतक के परिजनों को ढाढ़स बताता दिखा सुरक्षाकर्मी। नहीं थम रहे महिला के आंसू। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत से होने वाली NSA स्तर की वार्ता को सराहा। कहा, दो पड़ोसियों के बीच बातचीत से ही सुलझना चाहिए हर मुद्दा। 23 अगस्त को होगी भारत पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों के बीच वार्ता। दिल्ली में होने वाली बातचीत की रूस के उफा में पड़ी थी बुनियाद। आज 2 दिवसीय दौरे पर UAE पहुंचेंगे PM मोदी। शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दिया था न्योता। अबू धाबी में मशहूर शेख जायद मस्जिद में भी जाएंगे PM मोदी। पहली बार अल्लाह के दर पर मांगेंगे दुआ। राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं के लिए खास मेले का आयोजन। हर साल लगता है ये खास मेला। PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर गाँव में स्मार्ट स्कूल की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने जयापुर गाँव को लिया है गोद। दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर उठा विवाद। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बच्चों को इस तरह क्रम में बैठाया गया कि दूर से देखने पर अरविंद केजरीवाल का नाम नजर आया। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन आज। तमाम कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचेंगे CM आवास। आपने भी जश्न की तैयारी की। BJP आज से शुरू करेगी कांग्रेस के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम। संसद के मानसून सत्र की बर्बादी के लिए कांग्रेस को ठहराएगी जिम्मेदार। VHP नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा, मुझे पूरा यकीन प्रधानमंत्री मोदी आतंकी हाफिज सईद लखवी और दाऊद को पाकिस्तान से भारत लाने में होंगे कामयाब। महाराष्ट्र के मंत्री पंकजा मुंडे ने शरद पवार को बताया राजनीति का दिलीप कुमार। पवार ने पंकजा को बताया दीपिका पादुकोण। विवादों के बीच मुंबई में मुंबा देवी का दर्शन करने पहुंची राधे मां। कालबा देवी में मंदिर पहुंच कर किए VIP दर्शन। महाराष्ट्र के सांगली जिले में दलित महिला सरपंच को कल नहीं करने दिया गया ध्वजारोहण। आरत गांव में घटी घटना। मेरठ में वतन के दरिंदों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए फौजी वेदमित्र चौधरी। पुलिस ने देर से दर्ज किया मुकदमा। UP के कुशीनगर में दबंगों ने पार की अमानवीयता की हद। एक युवक को पिटाई के बाद पिलाई पेशाब। केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। साइना नेहवाल ने रचा इतिहास। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची साइना। भारत को गोल्ड मेडल की बंधी उम्मीद। जकार्ता में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन। साइना के फाइनल में प्रवेश से रजत पदक पक्का।